हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। हाजिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ। तो फाइनली पीसीबी ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है उसका ऐलान कर दिया है। बाबर आजम को दोबारा से जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ओडीआई और टी20 का कैप्टन बना दिया गया है। जी हाँ, और काफी अर्से से जो है वो खबरें आ रही थी, जब से पीएसएल खत्म हुआ है, बल्कि पीएसएल के दरमियान से खबरें आ रही थी कि शायद जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है उसको चेंज कर दिया जाए, शायद मोहम्मद रिजवान को बनाया जाए या शाहीन अफरीदी को रिटेन किया जाए। लेकिन ये पता था कि जो है कैप्टन अब चेंज होने वाला है और नई सिलेक्शन कमेटी भी बनी। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स तकरीबन एक दो वही हैं जैसे कि बाबराज पिछली सिलेक्शन कमेटी के हेड थे, जिन्होंने जो है बाबर आजम को हटाया भी था, और अब दोबारा से जो है वो उन्होंने बाबर आजम का नाम दिया और फाइनली बाबर आजम को जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ओडीआई और टी20 का जो कैप्टन है वो अनाउंस कर दिया गया है। खबरें ये भी आ रही थी कि बाबर आजम जो है वो टेस्ट कैप्टनसी भी मांग रहे थे, लेकिन उसमें कोई सदाकत नहीं थी, और अभी कंफर्म है कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम की टी20 और वर्ल्ड कप ओडीआई की जो है वो कैप्टन हो गया, और आगे जो टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन होने वाले हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि शाहीन अफरीदी जो है वो उनको जो है वो इस काकुल अकेडमी के कैंप के दौरान पता चला कि आपको जो है वो कैप्टनसी से हटाया जा रहा है, और कुछ क्रिकेटर्स और कुछ खिलाड़ी जैसे कि शाहीन अफरीदी हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, ये सब जो है वो शाहीन अफरीदी को बैक कर रहे थे, और कुछ स्पोर्ट्स जो है वो अभी सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी को अगर कैप्टन बनाया गया था तो उनको जो है वो थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए था, उनको मौका देना चाहिए था, क्योंकि एक सीरीज के बाद जो है वो फौरन से कैप्टन तब्दील कर देना ये काफी मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पीसीबी वैसे भी है वो तब्दील की हवा चलती रहती है, हर 6 महीने बाद नया कैप्टन, हर 6 महीने बाद नया जो है चेयरमैन आता रहता है, और हर कोई जो है वो अपनी मर्जी करता है, और होपफुली के बाबर आजम जो है वो दोबारा से पाकिस्तान की टीम के कैप्टन बन चुके हैं। आगे वर्ल्ड कप है, काफी अहम जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए वर्ल्ड कप है, 29 खिलाड़ियों का कैंप भी लगा हुआ है, उन्हीं में से जो है वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी आने वाला है, और मजे की बात है नवाज वसीम और मोहम्मद आमिर भी जो है वो अब बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर खेलने वाले हैं। तो आप इस चीज के बारे में आपकी क्या राय है, शाहीन अफरीदी के साथ वाकई ज्यादती हुई है या नहीं, या पीसीबी का जो फैसला है वो अच्छा है, बेहतर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए? तो प्लीज कमेंट्स में बताएं, और वीडियो ये तक की अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।